जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं लोशु ग्रिड में मिसिंग नंबर के बारे में। लोशु ग्रिड क्या है? ये चाइना की एक पद्धति है, जैसे हमारे भारत का 15 यंत्र है, उस 15 यंत्र होता है, आप लोगों ने देखा है इंडियन यंत्रों की थ्योरी के अंदर 15 यंत्र होता है, जैसे हम गणेश लक्ष्मी यंत्र में भी यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के अंदर या चाइनीज़ पद्धति के अंदर लोशु नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने एक डाटाबेस इकट्ठा करके एक रिसर्च की है। तो वो रिसर्च मैं बताना चाहता हूँ कि जिससे कि लोगों के जीवन के डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नंबर आते हैं उसके हिसाब से लोशु के अनुसार जीवन में घटनाएँ पाई जाती हैं, तो आप भी देख सकते हैं और उसके उपाय। आज हम मिसिंग नंबर की बात करेंगे। तो लोशु ग्रिड जो है वो 15 यंत्र का ठीक उल्टा नंबर है। हमारे 15 यंत्र में 4 और 9 नीचे वाले कोष्टक में आते हैं, इसमें 4 और 9 ऊपर वाले कोष्टक के अंदर आते हैं, याद रखिएगा। अब इसको देखा कैसे जाता है, सपोज दैट आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है, लोशु ग्रिड को कैसे आप देखेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, 21 सितंबर 1982, तो इसमें हमें क्या देखना है कि वैसे अंक ज्योतिष के हिसाब से 1 से लेकर 9 नंबरों तक की थ्योरी होती है। अब इसके अंदर कुछ नंबर हैं जो कि आपके 21 सितंबर 1982 यानी कि इसके अंदर 1 2 बार आ गया है, तो कोई ना कोई अंक आपका मिसिंग ज़रूर होगा। तो मिसिंग अंकों जो मिस हो जाता है जो अंक, वो उससे संबंधित आपके जीवन में परेशानी आज मैं बताऊंगा, साथ ही साथ उसकी रेमेडी सटीक किसी को मालूम नहीं है कि रेमेडी क्या है, उसके जेम स्टोन क्या है, तो उसके बारे में चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले एक नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, जिनका जन्म 1900 में हुआ है, 19वीं सदी में हुआ है, उनमें तो एक नंबर मिसिंग है ही नहीं। और एक नंबर जो होता है करियर की ग्रोथ के लिए होता है, करियर के लिए होता है, तो एक नंबर तो मिस है नहीं। हाँ, जिनका जन्म 2000 के से स्टार्ट हुआ है उनके में एक नंबर मिस हो सकता है। तो एक नंबर करियर ग्रोथ का होता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक नंबर आपका मिसिंग है तो आपकी करियर ग्रोथ में हमेशा रुकावट रहेगी। इसके लिए आप काला हकीक रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर लोशु ग्रिड के अनुसार 2 नंबर मिसिंग है तो आपकी मैरिज और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और 2 नंबर मिसिंग है तो प्रेम विवाह नहीं कर पाएंगे, मैरिज में भी डिस्टर्बेंस रहेगी, या हो सकता है कि मैरिज कई सालों तक आपकी नहीं हो, या हो सकता हो ही ना। उसका कारण क्या है कि आपके जीवन में 2 नंबर मिसिंग है। अब इसको दूर करने के लिए इसका उपाय है, अगर आपका 2 नंबर लोशु ग्रिड में मिसिंग है तो आप जो है रूबी यानी कि माणिक धारण करें। यदि 3 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग है तो आपको हेल्थ से संबंधित समस्याएं आएंगी। हेल्थ में आप छोटे होंगे तो भी आपको समस्या रहेगी, आप जवान होंगे तो भी आपको कोई ना कोई समस्या जरूर रहेगी अगर 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। इसका सटीक उपाय ये कि आप पन्ना रत्न धारण करें तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसी प्रकार से अगर आपकी नंबर जो 4 होता है, 4 अगर आपकी आपका मिसिंग है तो आप पे धन और भाग्य मेन चीज़ है, इसमें लक फैक्टर जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी ये गीता में व्यक्त किया है कि लक व्यक्ति को पिछले जन्मों से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं पाया जाता वो कहीं ना कहीं कर्म प्रधान लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि लक साथ नहीं होगा तो आदमी अच्छा सफल नहीं हो पाएगा, कर्म की थ्योरी से भी आप सफल हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे व्यक्ति जिसका 4 नंबर नहीं है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उनको धन पैसा और भाग्य नहीं मिल पाता है, ऐसे में ऐसे व्यक्ति को कटहेला रत्न धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है तो आपके को मकान सुख नहीं मिलेगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नंबर मिसिंग है वो एक तो अपने मकान में बहुत लंबी आयु के बाद रह पाते हैं, बहुत बार मकान के मामले में उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, बहुत बार मकान मिलते हुए भी कोर्ट केस हो जाते हैं, बहुत बार क्या होता है कि वो ऊपर के फ्लोर में रहते हैं, ऐसी स्थितियां होती है वो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज़, वो व्यापार नहीं कर पाते हैं, एक तो मकान नहीं मिल पाता, दूसरा व्यापार की क्वालिटी होने के बाद भी 5 नंबर मिसिंग होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी उसको व्यापार में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, व्यापार नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति को बदलने के लिए आपको
पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। अब छः अंक की बात करते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर छः अंक मिसिंग हैं तो ऐसा व्यक्ति विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कामों में सफल नहीं हो पाता है। विदेश से कोई कॉन्सेप्ट लेके आता है तो उसमें सफल नहीं हो पाता है। बहुत बार क्या होता है, हमारे यहाँ पर विदेश से कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, चाहे होटल से रिलेटेड हो, चाहे आईटी से फील्ड से रिलेटेड हो, खासकर जो आइडिया हैं वो विदेश से लोग यूरोप से लेके आए हैं। अब आप यूरोप में भ्रमण तो कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी है आपके पास, लेकिन नंबर छः नहीं है, तो आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और छः नंबर ना होने से बहुत बार क्या होता है, पुत्र संतान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आपको गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। सातवां जो नंबर है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग है सातवां नंबर लोसो ग्रेड के अनुसार, तो वो भी पुत्र संतान का होता है। संतान प्रॉब्लम ऐसे में आती है, संतान या तो जन्मजात बीमार होती है, या अधिकतर क्या होता है कि सात नंबर मिसिंग होने से कन्याएं ज़्यादा होती हैं, सात नंबर होने से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे आगे चल के बुरी लत में, कुछ भी एक केस हो सकता है, सारे केस नहीं होते सबके साथ, एक ही केस होता है, तो इस तरह के केस होंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती आपके लिए बहुत लाभदायक है, उससे आप सात नंबर का जो मिसिंग है उसका आप एनर्जी पा सकते हैं। इसी तरह से अगर लोसो ग्रिड के अनुसार आपका आठ नंबर मिसिंग है तो सरकारी नौकरी या उच्च पोजीशन पे आप नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे आप किसी आपने कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, कितनी आपने विदेश से एजुकेशन क्यों ना कर लियो, चाहे आप विदेश में ही रहते हो और आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हो, तब भी आपको बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके अंदर आठ नंबर मिसिंग है। और आठ नंबर मिसिंग है तो एक तो गवर्नमेंट जॉब में आप असफल रहेंगे, साथ ही साथ उच्च लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे एजुकेशन से, जो उच्च लेवल तक पहुंचा जाता है वो उससे नीचे ही रहेंगे। अगर उस लेवल को छूना चाहते हैं तो आपको फिरोजा पहनना पड़ेगा, चाहे गले में पहन ले, फिरोजा आप जरूर धारण करें। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नौ नंबर मिसिंग होता है, तो वो व्यक्ति के अंदर कितना ही हुनर क्यों ना हो, कूट कूट के बड़ा हो, चाहे बोलने की कला हो, चाहे दिखने में बहुत अच्छा हो, चाहे एक्टिंग में बहुत अच्छा हो, चाहे गाने बजाने में बहुत अच्छा हो, वो फेमस नहीं हो पाएगा, रेपुटेशन नहीं बन पाएगी। कारण क्या है, नौ नंबर मिसिंग है। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करे, उसके अंदर हुनर है तो वो क्या करे, वो लाल मूंगा पहने, लाल मूंगा पहनेगा तो उसको एनर्जी मिलने लगेगी, जो जो नहीं मिला है वो चीज़ मिलने लगेगा। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की कि लोसु ग्रिड के अंदर मिसिंग नंबर क्या होते हैं, उसका क्या फल है और उसके क्या उपाय हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करो महाराज, साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है जी।